लड्डू रेडी हो गई है, स्कॉच कपड़े पहन लिया। लड्डू 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 राधे राधे, लड्डू राधे राधे। स्कॉच भी रेडी है, अब मैं जा रही हूँ। आज की ब्लॉगिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं यस मैडम के साथ। यस तो दीदी आ गई हैं और मैं अपने आप को अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं हूँ बिल्कुल रिलैक्स मोड में। वो स्कॉच और लड्डू का मसाज हो चुका है, लड्डू हगीज में है और लड्डू देख रही है इन्होंने ये क्या कर लिया। लड्डू दीदी को क्या हो गया, ये क्या लगा लिया इन्होंने, पूछो। तो इनको ये भी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, उसके बाद ये निकाल देंगे। तो ये है इनका काम और मैं कर रही हूँ अपना काम। लड्डू को बहुत अजीब लग रहा है, क्या है ये सब। तो मेरे को वैक्स कराना है, फेशियल कराना है क्योंकि है ये शादी का सीजन। अभी पूरा सामान ऐसे ही है, कुछ पैकिंग हो रही है, बैग निकला हुआ है, लाइट्स ऑफ है, पैकिंग चल रही है अभी। तो बस बहुत काम है, बहुत काम है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। लड्डू अंधेरा है। चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय। मैं आपको रेटिंग दे दूंगी इन। लड्डू बाय बोल दो, टाटा बोल दो। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। हम आ गए हैं मम्मी के यहाँ क्योंकि ज्योति के यहाँ और सानी के यहाँ से बहुत सारा सामान पैक करना है। अगर घर में पास हो तो उसके बेनिफिट और उसका नुकसान भी ये है। तो नुकसान ये है कि 6 बज चुके हैं और स्टिल मैं इधर उधर भाग लूँ, सामान समेट रही हूँ, पैकिंग पूरी नहीं हुई है। लड्डू अपना जी हाँ राधे राधे को मांग रही है। लड्डू तो फाइनली हम निकल गए बड़ी मुश्किलों से। जस्ट हेयर वॉश किया, रेडी वेडी नहीं हुए। अब मैं रेडी होंगी ट्रेन में क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल। और क्यों, बहुत सारी चीजें हम आपको ट्रेन में जाकर बताएंगे, तो बने रहना ब्लॉग में। लड्डू और बॉस कर रहे हैं कोली से बात क्योंकि मैंने आपको दिखाया। लड्डू नो, लड्डू परेशान कर रही है स्कॉच को। लड्डू कुछ बोलो, स्कॉच हुआ है, स्कॉच हुआ है, जाओ स्कॉच को लेकर आओ। लड्डू बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। फाइनली पहुंच गए और बॉस यहाँ हिसाब कर रहे हैं भैया लोगों के पैसों का। ये रही लड्डू, ये रहा स्कॉच। अभी हम आपको पूरा अपना कूप दिखाते हैं, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। गए थे पानी लेने और यहाँ से ये दे रही है फ्लाइंग केस। टाटा, ओ माय गॉड। चलिए ये लोग आ जाते हैं, फिर हम बैठते हैं, फिर हम आपको कराते हैं ट्रेन का क्या कहते हैं उसको यार। तो बॉस वगैरह आ जाए तो मैं आपको कराती हूँ अपने इस फर्स्ट एसी में। कौन सा इसको कूप कहते हैं, हमें कूप मिला है। हम ये कूप इसलिए बुक कराते हैं क्योंकि हमारे साथ स्कॉच है। बट मैं पूरी बातें करूंगी बॉस के आ जाने के बाद। और मेरे हाथ में आप नेल प्रिंट देख कर सोच रहे होंगे कि ये क्यों है इसके हाथ में। तो मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ ससुराल और ससुराल में थोड़ी ससुराल जैसा दिखना चाहिए। तो मैं सुबह आपको कम्प्लीटली डिफरेंट लुक में मिलूंगी। अभी मैं जल्दी जल्दी में बस हेयर वॉश किया, कंघी भी इवन मैं ट्रेन में आकर की हूँ। अगर आपने पहले की ब्लॉग देखी होगी तो आपने देखा होगा। तो मैंने सोचा बाल गीले हैं, थोड़ी कंघी वगैरह कर लूँ। तो ब्लॉग में बने रहना और दिखाती हूँ स्कॉच को हम खाना वाना खिला कर लाए, तो दिखाने वाली कोई बात नहीं। केवल और केवल स्कॉच ही एक रीजन है जिसकी वजह से हम हमेशा फर्स्ट एसी में आते हैं जब भी हम स्कॉच के साथ ट्रिप करते हैं। जब भी मतलब विदाउट स्कॉच तो हम ट्रिप करते ही नहीं है। ये लोग देखो खा रहे हैं बिस्किट और स्कॉचू को देखो दे में स्कॉचू की वजह से फर्स्ट एसी में एक तो ये हमने ये लोग ट्रेवल किए, ऊपर से मेरे को बिस्किट भी नहीं दिए। स्कॉचू को ऊपर बैठाना जरा तो बॉस, बिस्किट भी नहीं दे रहे हैं। नहीं लड्डू ऊपर बोल रही है, लड्डू कहाँ बैठाना है स्कॉचू को गुड्डा। ओ तुमको समझ में नहीं आता लड्डू, लो पकड़ो एक बिकिट एप्पल चाहिए, एप्पल भी लाई हूँ मैं, तो एप्पल भी लाई हूँ। स्कॉच एप्पल चाहिए बताओ, मेरे कान में बताओ स्कॉच एप्पल चाहिए, कान में बताओ। स्कॉच लड्डू को बोलो मेरे कान में बताओ, बोलो तुम नहीं इसको बोलो लड्डू स्कॉच एप्पल चाहिए बताओ, चाहिए एप्पल चाहिए। पिकू उसको देखो, इसका मुंह देखो। तो देखो तीनों आराम कर रहे हैं और मेरे को काम पे लगा रखा है इन सबने। बोला खाना निकालो, सूटकेस रखो, ये करो वो करो, आप बैठ गया तीनों के तीनों। और ये किरण बोल रही थी मैं ट्रेन में ऑफिस से काम करूंगी। ये देखो लैपटॉप का स्टैंड भी स्पेशली उठवा के लाई है मेरे से ये, और बोलो काम करोगी, बोलती नहीं काम करने का मन नहीं है। लैपटॉप का स्टैंड बोलना ही नहीं है, बट यार स्टैंड आया तो किया जा सकता है। बट ये ट्रेन का भी सफर ना साल में एक बार होता है, हाँ तो उसको एंजॉय। अगली बार मैं लाऊंगा ही नहीं स्टैंड। ओए ये देखो इनको देखो गंदी चीज सीख रही है। और इस कॉचू की वजह से बता दो क्यों टिकट करवाए फर्स्ट इसमें, ट्रेन चल दी और ट्रेन चल चुकी है। तो जैसे स्माइल हमारे पुराने ब्लॉग में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कॉच के साथ अगर डॉग के साथ ट्रैवल करना हो तो कैसे, तो आपको पुराने ब्लॉग में दिख जाएगा। ट्रैवल किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, लड्डू पेट में थी, और अब दोनों साथ में करने लगे हैं। स्कॉचू स्टिल सेम, लड्डू का तो हरकत बदलता है। ये उस टाइम भी शांति था, ये इस टाइम भी शांति है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है भाई। इसका फेस दिखा दो, इसका नाक दिखा दो, नाक। हम जाएंगे खाना खाएंगे, भूख लग रही बहुत तेज, और आपको भी दिखाएंगे कि हम क्या लेकर आए हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे। हम आपको वहाँ घर पर तो नहीं दिखा पाए ज्यादा, क्योंकि बहुत 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 हबड़ तबड़ में हुआ है। तो अब हम आपको दिखाते हैं हमने क्या खाना लेकर आए हैं, और चलिए आप भी हमारे साथ डिनर करने। गया हमारा स्टैंड और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर नॉट ब्रेकफास्ट। गया बोलने जा रही और आप देख 5 and 6 कृष्ण एंड किरण। क्या नाम है? कृष्ण एंड किरण। हमारा ही है। मैं सुनने लगी थी कि टीटी आई है क्या वापिस से, और स्कॉचू क्योंकि अभी आपको पता है कि 11:30 टाइम हो रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं। स्कॉच को हम घर से ही खाना वाना खिला कर लेकर आए थे, तो स्कॉचू को कुछ खाना पीना तो है नहीं। स्कॉचू अब सो जाएगा, लड्डू भी अब सो जाएगी है स्कॉचू। भाई मैंने इस टाइम पे इतना बकवास चीजें खाई है ना। मेरी है ये ब्रेड पकौड़ा कहाँ गया? ये वो नहीं पैक किए लगता है, इतना ही था। और ये देखिए ये भी आलू की कचौड़ी है, दिस इज ऑल्सो वेरी यमी। यस लड्डू बताओ बॉस। हाँ तो बहुत टेस्टी है। केचप रखा तो नहीं, कहाँ चला गया? भी खाने को चाहिए, है ना बॉस? पता नहीं क्यों। आप भी बताइए, इधर नहीं करना बॉस, आप भी बताइएगा ये आप ही के साथ होता है क्या कि ट्रेन में बैठे या कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो खाने की क्रेविंग कुछ अलग ही होती है जो घर में नहीं होती। तो हम आते ही खाने लगे। जो घर में बना था उसकी वैल्यू नहीं थी, बट इसकी ट्रेन में बहुत ज्यादा वैल्यू है भाई। लड्डू ने खा लिया मिर्ची। पानी दो जल्दी ना, मिर्ची बहुत ज्यादा खा ली है। कि आपने देखा कि थोड़ी बहुत रिकॉर्ड भी हो गया, हम कैमरा बंद करना भूल गए थे। लड्डू पराठे खाते खाते थोड़ी मिर्ची मुंह में खा ली और उसने बहुत ही उल्टियाँ की। उसके बाद हमने साफ सफाई की और उसने स्कॉच के मैट भी पूरा किया। तो अभी हमने वो साइड में कर रखा है। बहुत ज्यादा बच्चे के साथ ट्रेवल करने में भाई देखिए ये हालत है बच्चों का। अभी ये कह रहे हैं मिल्क मिल्क युवा मिल्क मिल्क। बच्चे के साथ ट्रेवल करना आसान नहीं है। अब वो रो रही है, मुझे ऊपर ही और ऊपर फूलिंग बहुत ज्यादा है। और आपने देखा उसको पतला कपड़ा पहनाया हमने, मेरे भी ये पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन क्योंकि मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ। अब सूट जो भी है मैं सुबह पहनूंगी। तो देखते हैं कैसे हैंडल होता है। लड्डू सो गई है और मैं भी जा रही हूँ सोने। आपको मिलूंगी सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। मैंने बोला था ना सुबह मिलूंगी। ओ भाई पहले तो आप बाहर का नजारा देख लो। लड्डू वाह, और मिल लो आप लड्डू से राधे 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 राधे। लड्डू राधे राधे कर रही है। बहुत ही प्यारा नजारा है। और अब मैं होंगी रेडी। पहले तो पियेंगे चाय, उसके बाद होंगी रेडी, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 7 बज रहे हैं। 8:30 तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर का नजारा। तो हमने खा ली चाय और कचौड़ी। मैं सुबह सुबह सोचा कि ट्रेन का तो नज़ारा मिलने से रहा तो पहले ही खा लिया जाए और पी लिया जाए। रेडी हो गई है, स्कॉच कपड़े पहन लिए। लड्डू 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 राधे राधे लड्डू राधे राधे। स्कॉच भी रेडी है। अब मैं जा रही हूँ। हो गया डन। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ मैंने जल्दी जल्दी में कैसे किया मेकअप, क्योंकि लाइट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट पड़ रहा है। और अब आप सोच रहे होंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉगिंग में आपको ये टिप्स देती चलूँ कि आप कैसे भी घर से निकलो, बट अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके पास पूरा सामान है अपना तो आप कहीं भी मेकअप कर सकते हो और बहुत कम टाइम में मेकअप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। नेल पेंट स्टिल मैंने अभी तक नहीं लगाया। तो मैं आपको मिलती हूँ कंप्लीट लुक में। लड्डू ये है वॉक एरिया जहाँ हम स्कॉच को वॉक कराते हैं, उसका मैट बिछा देते हैं और वो सूसू कर लेता है। ये रहा स्कॉच, आना है, आजा कम। स्टॉप। स्कॉच के फैंस तो हर जगह है। स्कॉच नो नो हेलो लड्डू, स्कॉच को कितनी भाई कर दो। वो देखो स्कॉच, सिंगल रे में पिंगलू पिंगलू। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम बस पहुँचने वाले कितने मिनट में? 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। खाओ लड्डू, खाओ, कहाँ है? तो जी ये है मेरा फाइनल लुक आफ्टर मेकअप, और दिखाया मैंने आपको जितना पॉसिबल था दिखा दिया। अब हम थोड़ी सी 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, ट्रेन रुकी हुई है। तो अब मैं आपको आई डोंट नो ब्लॉगिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत है, छुट्टी मैंने नहीं ली है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, अदरवाइज आलोक तो आपके साथ शेयर करता ही रहेगा। तो तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लड्डू आ गई, लड्डू अभी क्रेंकी हो गई भाई बहुत ज्यादा। टफ तो है, लग गई। चलो जी, मैं बनाती हूँ अपनी लड़की को, और आप प्लीज 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 ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो और तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लड्डू अपने आप को देख रही है।